गुड मॉर्निंग, कैसे मम्मी हो? ने पूजा पाठ करके, मम्मी आपके तो बहुत लोग फैन हो गए हैं, बोलते आपके सास में कितनी अच्छी हैं। थैंक यू बोलो। थैंक यू। हाँ तो दोनों का मैचिंग हो रहा है कपड़े। गुड मॉर्निंग गाइस, मम्मी ने पूजा कर ली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज बन रहे हैं चुकंदर के पराठे, तो इसमें मैंने चुकंदर को छिलके डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा और ये पीस लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, इसको बस जैसा हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं वैसे बनाना है। इसको मैश कर लेते हैं अच्छे तरीके से। चुकंदर की रोटी, बोलो कि चुकंदर की रोटी है ना। सारे यहाँ पे बन गए हैं पराठे और ये देखो, वेलकम समर्स। ये देखो नाक का दाग साफ हो गया यार, नाक का देखो स्पॉट कम हो गया है ना। देखो गाइस स्पॉट कम दिख रहा है ना, एक दो दिन और बिल्कुल हीलिंग होगी ना। हाँ, नाक में बहुत जल्दी ही होता है। तो गाइस देखो एकदम जनता को नाखून जरूरी है नहीं है, कितने अच्छे नाखून हो रहे हैं। सॉस के साथ खाते हैं इसको। रंग चढ़ा है तो यहाँ पे हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं, हम खाना खाएंगे साथ में हमारे ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स। तो गाइस अभी बज रहे हैं 9:44। तो आज का ब्लॉग में ये सुन है कि आज हम जरा पापा से प्रैंक करते हैं, मतलब पापा से आज हम मजे लेंगे। अब किस टाइप के मजे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये पापा का मम्मी का व्हाट्सअप है। मम्मी हर रोज मम्मी पापा की वीडियो कॉल होती है। आज मम्मी पापा की लड़ाई भी हुई ना, आपस में क्यों झगड़े हैं, ये झगड़ते रहते हैं, हमारे जैसे झगड़ते रहते हैं। तो इसमें मैं ऐसे करता हूँ, देखो ये भेज देता हूँ। देखो गाइज ये भेज दे रहा हूँ। अब ये चला जा। हाँ चला गया, तो वहाँ चला गया है। अब पापा का रिस्पांस देखेंगे, पापा ने पापा क्या बोलते हैं। बोला मुझसे को मी, हमने कभी आई लव यू बोला? कभी नहीं बोला, एक दिन बोला मैंने पास। क्या बोला पापा को फिर? पापा ने क्या बोला? पापा ऐसे कर रहे थे क्या? पापा ने नहीं बोला फिर आपको लव यू टू? नहीं बोला ना। तो गाइस पंखे वाले भैया आए हुए हैं पंखा सही करने के लिए। काफ़ी टाइम से पंखा ख़राब हुआ पड़ा था, तो अभी 2-3 घंटे बाद सही हो रहा है। आज राहत मिलेगी हम लोगों को। सीन ये हो रहा है ना, अभी बज गए हैं शाम के 6:30 के अप्रॉक्स बज रहे, मतलब मैच स्टार्ट होने वाला है। और आज दिन में इतनी गर्मी थी, पंखे वाले भैया आए, अच्छा आज पंखा सही हो गया। और दूसरी बात ये है कि आज हमारा ना पानी की चीज़ें खराब हो गई हैं, मतलब पानी में पता नहीं, नल में पहले सुबह काला पानी आ रहा था और अब ना पानी नहीं आ रहा, बहुत ही स्लो आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो गई है, अब पता नहीं इनसे बोलेंगे कोई सॉल्यूशन निकालो। अभी देखो क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको भी पता नहीं है। अब यह है कि हमें हम लोग तो गाइस ये देखो इनका सॉल्यूशन। बात यह है मैं आज इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। क्यों गुस्सा थी? क्योंकि ये गए थे नीचे किसी काम से और हम लोग 2 घंटे से फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन ऑफ आ रहा है। और ऊपर से क्या था कि उसके बाद कह रहे क्यों मेरा तो फ़ोन ही ऑफ नहीं था, और उसके बाद लास्ट में आधे टाइम इनका फ़ोन लग गया। मम्मी फ़ोन ऑफ था नहीं था उनका, आपने भी किया ना। हाँ तो अब ये बोलो ना, नहीं लगता आप तो सुबह से कह रहे हो। ये देखो कि तुम कैसे कह सकती हो इतने 6:30 का कॉल आया है। मम्मी नहीं था ऑफिस में कर रहा है ये देखो तुम झूठ के 6:30 कॉल आए हैं। ये कैसा आ गया? ये देखो सुनो 5:40 में आया है तो कैसा आ गया? ये झूठ रहे हैं दोनों। मम्मी वो तो अच्छा हुआ मम्मी आपने भी कॉल किया। ये देखो प्रैंक कर रहे हैं। कसम से प्रैंक नहीं कर रहे, आप कॉल इससे करो मम्मी। अच्छा आपने कॉल कर लिया, चिंता हो गई नहीं। हां ये आप कैसे कर सकते हो, 5:40 कॉल आई मेरे पास। देखो गाइस अभी भी लड़ रहे हैं गाइस। अब ना थोड़ा अब ये फिर बट मैं किचन में गई ना तो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मेरा मूड थोड़ा ऑन हो गया। ऑन क्यों हुआ बताऊँ? एक तो ये तरबूज लेके आए हैं, ठीक है, दूसरा लेके आए हैं ये लीची। पतझड़ के लेके आई हूँ जूस और ये नई ट्रे है जो कि लोग कल लेके आए थे। हमारा 2 कांच के गिलास है ना, तो इसके लिए 5 गिलास में पीएंगे मम्मी और ये मैं कप में पीऊँगी। तो गाइस जब हम ऊपर आए हैं टंकी को चेक करने के लिए, क्या दिक्कत हो रही है।
आ जाएगा तो हमें पानी ऊपर आ जाना। इसमें ना बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा है हम लोगों से, तो अभी चलते हैं नीचे, कल प्लम्बर को बुलाएंगे। आराम आराम से चलते हैं। आज अभी बज रहे रात के 10, तो फाइनली KKR जीत गई है। मेरा तो मन था कि SRS जीते, मतलब मेरा मन इसलिए था क्योंकि आज SRS ने बहुत कम रन बनाए। अगर ये चेजिंग वाला होता तो तब हो सकता था कि SRS जीत जाती, बट कोई नहीं, इट्स अ गेम। KKR जीत गई तो KKR को बहुत दिल से बधाइयाँ। तो कई सर्वे सीन ये हो रहा है कि अभी मैं लेके आया था इन लोगों के लिए लीची, तो लीची खाते हैं। इस समय लीची का मौसम होता है बड़ा मस्त, तो दीक्षा का मन था लीची खाने का। अब खाते हैं लीची, यम्मी यम्मी लीची। गाइस आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मुझे ये मैं फेस वॉश करके आई है ना, बिल्कुल भी नहीं। ये मुझे गर्मी लगी है, ये देखो पसीना। जो पहाड़ में रहता है वो लोग तो जन्नत में रहता है। कंपटीशन कर रहे हैं क्या? क्यों उनके दोनों से लीची कौन जल्दी छीलता है? हाँ, छीलने वाला कर सकता है। और गाइस दूसरी बात, यह आज से तक हमारे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पानी, आप लोगों को पता है, पानी हो गया और गैस हो गई, ये सबसे जरूरी चीज होती है। और पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पानी आया तो आर ओ, पानी नहीं जा रहा है, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है सच में। मतलब ऐसा तो लगता है कि, और हमारे ना, मैं क्या ही बताऊँ, कुछ चीज़ें हैं मैं हम शेयर नहीं कर सकते हैं। मन में बहुत चीज़ें हैं बट शेयर नहीं कर पा रहे हैं। एक और अनाउंसमेंट है, मतलब अनाउंसमेंट क्या है कि आपको एक बहुत मस्त ब्लॉग आने वाला है, क्योंकि उसमें ये लोग मेरे साथ बहुत बड़ा वाला प्रैंक करने वाले हैं। मतलब प्रैंक क्या, मतलब मस्ती करने वाले हैं, क्योंकि मेरी और दीक्षा की लड़ाई हुई थी बहुत जबरदस्त। तो दीक्षा ने बोला कि तुमको ऐसा करना पड़ेगा। अभी मैं रात के बज रहे हैं, रात के 1:30 बज रहे हैं, मेरी आँखें नहीं खुल रही। हालत देखो ये, एसी में रहने के बाद मुझे इतनी गर्मी लग रही है। एसी और दो पंखे चल रहे हैं, आँखें नहीं खुल रही। तो गाइस अभी का सीन ये हो रहा है ना, अभी रात के 2 बज रहे हैं और एसी में और पंखे में रहने के बावजूद मेरी हालत देखो, और हम नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। ऐसा हो रहा है टहलते रहूँ बस, क्या क्या समझ नहीं आ रहा। तो गाइस उसके बाद ना मैं अप्रॉक्स सोई हूँ 5 बजे सुबह के, और तब तक मैं चेयर पे ही बैठी थी। बिल्कुल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब मैं किसी को उठाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत दर्द हो रहा है, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी, परेशानी हो रही थी। फिर 5 बजे मैं सोई हूँ, फिर 5:30 बजे हम लोग वॉक पे चले गए थे। फिर उसके बाद तो नया ब्लॉग आ जाएगा। बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हर महादेव।